तो हेलो एंड वेलकम बैक अवर चैनल असली अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज की ये देखिए फिरोजा, ये लगा हुआ है, ये नीलम है, पूरे ओरिजिनल है। तो दोस्तों हमने ईस्ट गेट से लिया है मेट्रो और ये सीधे जाएगी रेड फोर्ट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर चौक पे। और बता दूं भाई, फिलहाल तो मेट्रो स्टेशन जो आगरा का है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मीन्स भाई हम जा रहे हैं इन साइड में किले के, चलिए चलते हैं। है यहीं से आगे जाएंगे हम, तो चलिए चलते हैं हम इन साइड में। तो उस टाइम में इसको बनाने में 35 लाख का खर्चा हुआ था, जिस तरीके से। तो हेलो एंड वेलकम बैक अवर चैनल असली अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैं कहता है एतमाद तो दौला, और आज हम जा रहे हैं रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट की वीडियो भी होने वाली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, और क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल डिटेलिंग से आपको बताऊँगा। और मैं आपसे फिर कह दूँ, मेरी सारी वीडियो आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए और एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। और फाइनली मैं आ चुका हूँ ताज ईस्ट गेट के मेट्रो स्टेशन पर, और हम लेंगे यहाँ से टिकट। टिकट लेने के बाद हम चलेंगे सीधे रेड फोर्ट, और चलिए पहले लेते हैं हम टिकट। सामने आप देख सकते हैं टिकट काउंटर, और टिकट लेने के बाद हम जाएंगे सीधे रेड फोर्ट और वहाँ की शूट करेंगे पूरी डिटेलिंग वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और यहीं से हम लेंगे टिकट और हम जाएंगे रेड फोर्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पर और हम लेंगे यहाँ से टिकट। तो चलिए मिलते हैं टिकट लेने के बाद, फिर इनसाइड में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी मेट्रो आ चुकी है और चलती है, चलिए चलते हैं हम रेड फोर्ट के लिए। तो दोस्तों हमने ईस्ट गेट से लिया है मेट्रो और ये सीधे जाएगी रेड फोर्ट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर चौक पे। और फिलहाल हम आ चुके हैं मेट्रो में, और देख सकते हैं भाई फिलहाल तो मेट्रो खाली पड़ी हुई है, ये देख ही सकते हैं मेट्रो खाली पड़ी हुई है। और मीन्स ठीक है, अब आगरा है, अब देखते हैं कितनी सक्सेस होती है। बट फिलहाल हम आ चुके हैं मेट्रो में और सीधे हम चलेंगे रेड फोर्ट के लिए। चलिए मिलते हैं सीधे अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर। अगला स्टेशन शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। फतेहाबाद रोड। बता दूं भाई, फिलहाल तो मेट्रो स्टेशन जो आगरा का है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आप देख ही सकते हैं, नीट एंड क्लीन है पूरा। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ऐसे ही मेंटेन रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए चलते हैं अपन और शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अम्बेडकर चौक पे, मेट्रो जो स्टेशन है अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पे, और इसके बाहर निकलते ही आपको किला मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आउटसाइड में, मेरे सामने देख ही सकते हैं, चलते हैं एस्केलेटर से, चलिए एस्केलेटर से चलते हैं बस। और भाई गर्मी बहुत है, और एक चीज़ बता दूँ, मेट्रो में आने के बाद तो अच्छा लगा, बट इसके बाद मुझे लग रहा है ऐसा भाई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। चलिए चलते हैं। और ये जो स्टेशन है आगरा का मेट्रो स्टेशन अम्बेडकर चौक, जिसके सामने सीम ठीक सामने बना हुआ है रेड फोर्ट, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ठीक रेड फोर्ट के ठीक सामने, और ये मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आप देखेंगे सामने आपको दिख जाएगा रेड फोर्ट। तो चलिए चलते हैं रेड फोर्ट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, और सामने ही मेरे है ये रेड फोर्ट, ठीक है। चलिए, और ये देख सकते हैं ये स्टेशन है मेट्रो स्टेशन डॉक्टर अम्बेडकर चौक मेट्रो चौक मेट्रो स्टेशन। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप सीधे ईस्ट गेट से, ताजमहल ईस्ट गेट से मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो लेने के बाद सीधे आप किले के लिए ले सकते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर चौक है वहाँ पर सीधे आपको ये रेड फोर्ट पर ड्रॉप करेगी मेट्रो। और चलिए चलते हैं पहले किले में और आपको किले की विज़िट कराते हैं। तो हम चलते हैं किले के अंदर में, और ये हम जा रहे हैं इन साइड में किले के,
चलिए चलते हैं। हम आए हुए थे रेड फोर्ट पे और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है अमर सिंह गेट जो कि किले का पहला गेट है। यहीं से आगे जाएंगे हम, तो चलिए चलते हैं हम इनसाइड में। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो शूट होने वाला है वो है रेड फोर्ट। हम आए हुए रेड फोर्ट, तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये है पूरा रेड फोर्ट, आगरे का किला, यहीं से पूरा शूट होगा और जिसको कि अकबर ने बनाया था 1565 में। तो चलिए चलते हैं, फिर इसका इनसाइड में व्यू लेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप ये है जहांगीर का बाथटब, ठीक है, जो कि वन स्टोन में बना हुआ है, पूरे सिंगल स्टोन में बना हुआ है ये, और पहले ये इनसाइड में हुआ करता था, अब इसको आउटसाइड में ला के रख दिया है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो है जहांगीर का किला है और सामने जो ये देख रहे हैं ना ये टूटा हुआ जो दिख रहा है, ये सूरजमंद से जो भरतपुर के राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था, तो जब ये डिस्ट्रॉय हो गया था। तो चलिए चलते हैं इनसाइड में। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, जब इसमें जब एंटर हुआ करते थे राजा लोग, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से विंडो से फूल वगैरह फेंके जाते थे। चलिए इसके बाद हम आप चलते हैं आगे की तरफ और फुल में आपको बता दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पूरा रंग महल। तो रंग महल की विशेषता ये है कि जो ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, इधर राजा लोग बैठा करते थे और इनके नीचे जो बनी हुई है, जो विंडो जो बनी हुई है इधर ये देख रहे हैं जो आप, इधर रानी बैठा करती थी और नीचे दासियाँ डांस किया करती थी। ये रंग महल था जो कि ऑलमोस्ट इंडिया में जो बनी पिक्चर है अपनी, तो उसमें भी दिखाया गया इस टाइप से पूरा सेटअप। तो ये देख ही सकते हैं ये रंग महल है और जिसमें कि दासियाँ डांस किया करती थी, ऊपर राजा बैठ के देखा करते थे। और ये भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस हो रखी है, पिछली वीडियो में आपने देखा बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। रेड स्टोन है इसलिए ज़्यादा हीट करता है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा डाइनिंग हॉल, इसकी भी नक्काशी आप देख सकते हैं भाई, वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, डीपली वर्क देखेंगे आप इसका। तो ये भी सिंगल स्टोन में पूरा, ये पूरा जो देख रहे हैं ना पूरा सिंगल स्टोन में बना हुआ है और ये डाइनिंग हॉल है पूरा। तो चलिए आगे। तो दोस्तों जैसे कि हम हैं इस टाइम जहांगीर की लाइब्रेरी में, क्योंकि अकबर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद, हुमायूं की डेथ होने के बाद जब अकबर आए और अकबर बने बादशाह, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे बट वैसे उनको बहुत नॉलेज थी। और उनके बाद जब जहांगीर जब आए तो जहांगीर के लिए उन्होंने लाइब्रेरी बनवाई थी पूरी उनके लिए, ये देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी बनवाई थी। और उसकी खासियत दिखाऊँ, ये जो देख रहे हैं आप ये पेंटिंग थी पूरी, ये पेंटिंग ही बनी हुई है पूरी की पूरी, ये देख रहे हैं पूरी की पूरी पेंटिंग बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तो मुझे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं इनसाइड में, जो कि कहा जाता था कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये दीवारें, आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये खोखली है, मीन्स इसके बीच में जो था पानी आया करता था और पानी से ये पूरा महल जो है अंदर बीच में जो है इस साइड से दीवार और उस साइड से दीवार, बीच में पानी हुआ करता था जिससे कि रूम ठंडा भी रहा करता था। और उस टाइम के ये मेहमानों के लिए हुआ करता था। और कहावत सुनी होगी आपने, दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये वही सिस्टम है, मींस इनकी जो दीवार है ये खोखली हुआ, मतलब मींस पोली पोली है बिल्कुल, आप देखेंगे। तो चलिए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और उस टाइम इधर मेहमानों को रुकाया जाता था और जो मेहमान बातें किया करते थे आराम से वो लोग वहाँ से सुन लिया करते थे कि। तो फिलहाल हम हैं इसके हवा महल पे, जो कि उस टाइम के लिए बनाया गया था रुकने के, उनके रहने के लिए, जो हवा महल है ये देख रहे हैं ना। और ये पूरा वाटर ड्रेनिंग सिस्टम है, ये पूरा देख रहे हैं, ये वाटर ड्रेनिंग सिस्टम है इसका, ये देखिए। ये कहा ये जाता है कि उस टाइम में इसको बनाने में 35 लाख का खर्चा हुआ था, जिस तरीके से ताजमहल को बनाने के लिए 3 करोड़ 70 लाख का करीब 4 करोड़ का खर्चा आया था, और इसको बनाने में करीबन 35 लाख का खर्चा आया था। ऊपर जो टंकी देख रहे हैं वहाँ से इसमें पानी डाला जाता था भरा जाता था। और ये वाटर हार्वेस्टिंग का आज भी नमूना है, बरसातों में ये आज भी उसी तरीके से काम करता है। और आप नीचे होल्स देख रहे हैं, इन होल्स के जरिए ये सारा सीधा पानी यमुना में चले जाया करता था। सेम ये वही हवा महल है, तो ये देख सकते हैं ये वाटर के लिए इस पूरा यहाँ से पानी बाहर आया जाया करता था। तो चलिए, तो दोस्तों आपने ऑलमोस्ट वीडियोस में देखा होगा, एक जो विंडो देखी है मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये विंडो जो बनी हुई है ऊपर, जो विंडो बनी हुई है ये वाली, ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है। और मैं आपको इसकी एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये बंद दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए इनसाइड में फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी आपको बंद दिख रही होगी बट अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये ओपन है, देख रहे हैं, यहाँ से देखोगे ये ओपन दिखाई देगी, आउट से देखोगे ये बंद दिखाई देगी,
क्रॉस वेंटिलेशन के लिए था, और ये पूरा का पूरा रेड ताजमहल जो था, ये रेड फोर्ट जो देख रहे हैं पूरा देख रहे हैं, और ये जो बनाया है ये पूरा वाइट मार्बल, ये शाहजहाँ के टाइम में बना हुआ है, ये अकबर के टाइम में बना हुआ, अकबर के टाइम में, और ये पूरा शाहजहाँ के टाइम में है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो पैलेस पूरा देख रहे हैं आप, ये शाहजहाँ ने बनवाया था पूरा, क्योंकि वाइट पूरा जितना भी वाइट का काम हो रखा है सब शाहजहाँ ने करवाया था, और उस साइड जितना भी रेड का काम हो रखा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी दो बेटियाँ थी, एक रोशन आरा और एक जहां आरा, तो जो उनकी पहली बेटी थी रोशन आरा, ये उन्हीं के लिए बनाया गया था, और ये पालकी नुमा बनाया गया था, क्योंकि शाहजहाँ मीन्स उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करी थी, क्योंकि बादशाहों को झुकना पसंद नहीं होता था, क्योंकि अगर वो शादी कर देते तो उनको झुकना पड़ता। ऊपर का आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा गोल्ड का हुआ करता था, पूरा गोल्ड का। तो जब ब्रिटिश लोग आए तो पूरा निकाल के ले गए, और देख सकते हैं यहाँ से पूरा पालकी के स्टाइल में बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है वो जगह जहाँ पर मतलब मीन्स किले की पूरी सिक्योरिटी है, एक तरीके से पूरा किला इसी पूरी सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा पानी भरा रखा रहता, पानी भर दिया जाता था जिसमें कि क्रोकोडाइल वगैरह छोड़ दिए जाते थे, जिसमें कि दुश्मन अंदर ना आ सके। इस साइड में आप देख रहे हैं इधर जानवर छोड़ दिए जाते थे इधर, और उस साइड में जो थे सिपाही रहा करते थे, जो वहाँ से सिक्योरिटी करते थे पूरे अपने लगा करके। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, सामने से दिख रहा होगा आपको ताजमहल, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, तो ये देख रहे हैं ना ताजमहल, आप सामने यहाँ से देखेंगे ताजमहल बहुत छोटा दिखाई मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हम इसको वहाँ से देखेंगे, हम इसको यहाँ से देखेंगे अगर थोड़ी दूर से तो ये बड़ा दिखाई देगा। तो चलिए इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ से हम जितना पीछे आते जा रहे हैं तो सीरियसली वाकई में ताजमहल बड़ा लगता जा रहा है, यहाँ से देखने पे ताजमहल बड़ा लग रहा है। तो चलिए आगे, किले में जितनी डिटेलिंग वीडियो है ना शायद ही कहीं होगी, क्योंकि किले में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को है और देखने को भी है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये शाहजहाँ का बेडरूम है, और ये ऊपर का देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं इसमें हुआ करते थे उस टाइम में फ़ैन, तो फ़ैन लगाने के बाद इसको जो मीन्स उधर उस टाइम के दासी जो हुआ करते थे वो हिलाया करते थे जब ये चला करता था। और मेरे दिखाऊँ मैं आपको, ये जो ऊपर वर्क देख रहे हैं ना, इस तरीके का पूरा गोल्ड का वर्क हुआ करता था इसमें, ये आज भी गोल्ड का वर्क हो रखा है इसमें, और इसमें जो थे ना इसमें जेम्स वगैरह लगे रखते थे, हीरे जवाहरात वगैरह सब लगे हुए थे इसमें, जो कि ब्रिटिश जब आए और अपने साथ निकाल के ले गए। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो काला पड़ा है, ये जो इसके जो ब्लैकनेस जो आई है पूरी, वो इसी से आई है कि जब इस पर जो आग लगा करके और उसका सोने को पिघलाया गया, ये देख रहे हैं ना सोने के फूल पत्तियाँ, यार क्या गजब, मींस आज भी अगर आप देखें तो ये ब्लैक हो गए, और इनको किस तरीके से निकाला उन्होंने, ये ब्लैक पड़ गया पूरा, ये मींस ये गोल्ड था इस पर, तो इसको आग लगा के निकाला गया तो पूरा ब्लैक पड़ गया, मार्बल मार्बल रह गया, गोल्ड पूरा निकल चुका है, तो देख ही सकते हैं ये पूरा। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों जिस तरह हम आए हुए थे लाल किले में, और मैं आपकी इस बार ये बता दूं, पिछली वीडियो मेरी जो थी काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, तो ये जो वीडियो होगी आज की मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये हो गया हमारा पार्ट वन। तो चलिए ये था पार्ट वन, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आगे वीडियो कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, और आप नेक्स्ट पार्ट में भी देख सकते हैं, इसकी फुल वीडियो डिटेलिंग मिलेगी आपको। तो जिस तरह मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो मेरी जो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, तो ये पार्ट आपको पार्ट वन देख लिया आपने, अब आपको नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है।